सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। खरखोदा शहर के निर्माणाधीन उपमंडल स्तरीय न्यायिक परिसर का मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुरेंद्र गुप्ता ने निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से भवन में कई बदलावों को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस भवन में सभी के लिए सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी, जिसके तहत बार रूम से लेकर लाइब्रेरी और अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर भी बनाए जाएंगे। खरखोदा में न्यायिक परिसर अगस्त माह तक बनकर तैयार हो जाएगा। खरखोदा से सोमपाल सैनी की रिपोर्ट। डेट सितंबर की है, कोशिश की जा रही है कि सब तब तक तैयार हो जाए। कुछ अपनी तब्दीलियाँ कराई हैं सर? सजेस्ट करें। हम अभी ना इसको डिस्कस कर रहे हैं, अभी हमने कोई तब्दीली नहीं कराई है। ठीक सर, हम बैठ के प्लान हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, क्या हम इसको कुछ और बेटर तरीके से कर सकते हैं। इतना ही डिस्कस किया अभी हमने तब्दीली की, क्योंकि तब्दीली कराने के लिए हमारे पास कमेटी है, वो कमेटी ही अप्रूव करती है तब्दीली। प्रपोजल देंगे हम सर। वकीलों के लिए चैम्बर लाइब्रेरी वगैरह का भी प्रावधान है इसमें। इस बिल्डिंग के अंदर बार रूम भी है, लॉयर्स लाइब्रेरी भी है, और जहाँ तक चैम्बर है उसके लिए भी जगह ईयरमार्क है, वो वकील जैसी भी उनकी सुविधा होगी बना देंगे। सर जैसे जस्टिस मिल जाएगा कई बार डिनाइड लेट हो जाते हैं, तो इसके लिए क्या कुछ कोशिश करें? हमारे यहाँ पर जो आज स्टेटस है ना, वो जस्टिस डिलेड नहीं है, जस्टिस बहुत। तो आप कभी पूरे कंट्री की फिगर को अगर आप करेंगे ना कंपेयर, तो हरियाणा में जस्टिस डिलेड नहीं है। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है जस्टिस डिलेड ही जस्टिस डिनाइड, एक होता है जस्टिस हरिड ही जस्टिस बरिड। हमारे यहाँ हरिड एंड बरिड भी नहीं है, हमारी जितना समय लगना चाहिए उतना ही लग रहा है, बहुत जल्दी फैसले हो रहे हैं।